हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। तो जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, तो कई बार वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा मेल वगैरह का मुझे दिख जाती है, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जहाँ तक हुआ करे, तो मेल पे अपने पैरामीटर्स जो भी हैं वो आप भेज दिया करिए, तो जब मैं देखूंगा तो उसे मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, मैं उनकी कोई गलती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर मेरे पास कोई पैरामीटर्स भेजें तो उसका पूरा स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है। जैसे लिख बहुत सारे हमारे दोस्त हैं या जो भी हमारे साथी हैं, वो लिख के भेज देते हैं कि SNR इतना है, अटेन्यूएशन इतना है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम पूरे पैरामीटर्स नहीं देख लेते, तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, और जैसा इंटरनेट आता है, कई बार नोकिया सीमेंस जो NSN से आता है, नोकिया सीमेंस नेटवर्क से आता है, कई बार जो होता है वो ZTE से आता है, और NGN से आता है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पैरामीटर्स जो होते हैं, खाली ये नहीं कि SNR जैसे किसी की 30 आ गई, किसी की 10 आ रही, किसी की 7 या 8 आ रही है। तो जब तक हम पूरे पैरामीटर्स नहीं देख ले, तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है कि अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, और वो अलग अलग जो हैं वो पैरामीटर्स निकालते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि डायग्नोसिस का सबसे बेटर जो ऑप्शन है, कि जो हम डायग्नोस कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, तो आप ये करिएगा, जो आपके घर में जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, और एक बार आप एक्सचेंज चले जाइए, वहां पे जो भी आपके हो, जो भी इंटरनेट देखते हो, उनके थ्रू आप जो है अपने पैरामीटर्स लेके कंपेयर कर लीजिए, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। जो एक्सचेंज होता है, तो वहां पे भी अब वही सिस्टम वाली बात है कि कौन सा सिस्टम कितनी निकाल रहा है, तो इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि लाइन, जैसे अगर एक्सचेंज की बात करूं, तो वहां पे अटेन्यूएशन आप चेक करोगे तो 1 या 2 dB ही मिलता है, लेकिन जब आप अपने एंड पे देखोगे तो कई बार 30 dB भी मिलेगा, 35 dB भी मिलेगा, 15-20 dB भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और जो भी हमारे दर्शक पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो का जो लिंक है वो आप लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें।